नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। पटना का अशोक राजपथ राजधानी के सबसे व्यस्तम सड़कों में से एक है। पटना सिटी से लेकर गांधी मैदान तक इस सड़क पर लाखों गाड़ियां रोजाना भ्रमण करती हैं। गाड़ियों के लोड बढ़ने और कई जगहों पर सकरा होने की वजह से इस सड़क पर लगभग रोजाना जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन लोगों को बहुत जल्द अशोक राजपथ पर लगने वाली जाम से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर एक डबल डेकर फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य की शुरुआत अगले हफ्ते से ही हो जाएगी। राजपथ पर कारगिल चौक से NIT मोड़ तक बनने जा रहे डबल डेकर एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए पाइलिंग का काम शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसीलिए यह उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह में पाइलिंग को लेकर मिट्टी खुदाई का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। इस कार्य में कोई बाधा ना उत्पन्न हो और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए जहां जहां पाइलिंग या फ्लाईओवर निर्माण से संबंधित कार्य होने वाले हैं, वहां पर बैरिकेडिंग का काम किया जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए इसमें भी बदलाव किया गया है। इसके तहत अशोक राजपथ के बाएं फ्लैंक में शामिल खजांची रोड मोड़ से लेकर पटना कॉलेज को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू करने के लिए इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अशोक राजपथ के बाएं फ्लैंक में शामिल खजांची रोड मोड़ से लेकर पटना कॉलेज के सामने तक वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। हालांकि पटना कॉलेज से खजांची रोड तक फुटपाथ को खाली करा दिया गया है। इस फुटपाथ का इस्तेमाल रास्ते के रूप में किया जा रहा है। गांधी मैदान के तरफ जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। राजपथ पर डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने वाली मशीनों को भी मंगा लिया गया है। मशीनों को कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। फ्लाईओवर के निर्माण से पहले खजांची रोड से पटना कॉलेज रोड के बीच में स्पेलिंग का काम किया जा रहा है। इस वजह से यहां कई गैर जरूरी चीज़ों को भी हटाने का काम जारी है, जिसमें बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर भी शामिल है। इससे पहले इस इलाके में फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को हटाया गया था, जिनमें किताबों और चाय नाश्ते की दुकान भी शामिल है। आज के खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।